हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म पर एक बार फिर स्वागत। फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लासेस नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी चाह रहे हैं। आज की जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज टॉपिक्स मुझे पढ़ना है वह है सहायक संधि। सहायक संधि, जैसा कि फ्रेंड्स इसे हम टू पार्ट्स में बांटना चाह रहे हैं सहायक संधि को। सबसे पहले तो ये इश्यूज क्यों बना सहायक संधि का, आप ये समझिए कि जैसा कि आप जानते हैं एक फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले थे, और ये डुप्ले याद रखिएगा, डुप्ले एक सौदा किया करता था। भाई ये गवर्नर तो है ही, ये फ्रांसीसी गवर्नर है और ये सौदा करता था, और जो सौदा करता था वह अपनी सेना के साथ करता था। डुप्ले का एक ही फरमाइश था कि हम अपनी सेना दे रहे हैं, बदले में उसके बदले में हमको पैसे चाहिए। तो याद रखिए डुप्ले जो है, यहां पहला कोटेशन होगा कि डुप्ले द्वारा सहायक संधि शुरुआत की गई, जिसमें डुप्ले अपने सैनिकों को यूरोपीय देशों के साथ सौदा किया करता था, और कहता था कि जब कहता था कि हम आपको सेना देंगे, हमें उसके बदले में हमें खर्चा चाहिए। केवल एक पैसे का भूखा था, यानी अपनी सेना को भी रेंट पे दिया करता था, किराया पे दिया करता था। धीरे धीरे डुप्ले ये भारतीय राजाओं से भी करने लगा, पहले यूरोपीय राजाओं से करता था, अब क्या करने लगा, भारतीय राजाओं से भी करने लगा कि हम आपको सेना दे रहे हैं पर इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। तो ये जो संधि होती थी, या एक संधि होती थी, एक प्रपोजल ऐसा प्रस्ताव होता था कि आप ऐसा करोगे कि इसके बदले में हम आपको देंगे, तो ये डुप्ले द्वारा ही सहायक संधि शुरू की गई। सर्वप्रथम डुप्ले ही द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई। पहला पॉइंट आपका ये मिल गया कि आखिर सहायक संधि की शुरुआत कैसे हुई, ये पॉइंट आपके सामने रख दिया गया। अब इसे फ्रेंड्स हम एक बार मिटाते हैं, और मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि
1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो चुका है। प्लासी के युद्ध में आपने देखा कि यह एक निर्णायक रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हत्या हो जाती है। अंग्रेजों द्वारा हत्या होती है और इसमें अंग्रेजों की जीत भी होती है। धीरे से क्या होगा, बंगाल का कब्जा अंग्रेजों के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। आपने देखा कि अब तो बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ चुका है। फिर एक घटना होती है तत्कालीन 1764 ईस्वी में। फ्रेंड्स जानते हैं 1764 में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। क्लियर? और इसी में केंद्रीय सत्ता में बैठा शाह आलमुद्दीन। शाह आलमुद्दीन और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों के नीचे या अंग्रेजों के शरण में झुक जाते हैं। और आपने देखा कि जब केंद्रीय सत्ता में बैठा शाह आलमुद्दीन और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये दोनों जब झुक जाते हैं बक्सर के युद्ध में एकदम झुक जाते हैं। और आपने देखा होगा कि मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब बन बैठा था। वो अभी भाग करके कहां जाता है? शुजाउद्दौला के पास जाता है। और शुजाउद्दौला उसे क्या करता है? कहता है ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर आज आपके ऊपर अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, तो हो सकता है मेरे ऊपर भी मंडराने लगे। इसलिए शुजाउद्दौला क्या करता है, मीर कासिम को अपने शरण में ले लेता है। और जब मीर कासिम को शरण ले लेता है तो शुजाउद्दौला और मीर कासिम एक अंग्रेजों के एकदम प्रतिद्वंदी हो गए दोनों। उसके बाद क्या हुआ, उसमें शाह आलमुद्दीन जो केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ है वो कहता है यार हम भी अंग्रेज से खफे हुए हैं, ऐसा करते हैं तीनों लोग मिल करके हम अंग्रेजों को भगाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय सत्ता बैठा शाह आलमुद्दीन और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक होकर के क्या किए, अंग्रेजों से खूब धूम धड़ा के लड़ाई की। लड़ाई हुई और लड़ाई में
तीनों की हार हो गई, और जब तीनों का हार हो जाती है तो सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय सोचता है कि अब तो हम हार चुके हैं, कम से कम कुछ तो ले लें। तो लेने के लिए एक ही ऑप्शन था उनके पास कि संधि कर लेते, तो संधि की। तो इस संधि में आपने जैसा कि पिछले क्लास में सब पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा कि 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, ये जो पहली अगस्त 12 अगस्त 1765 को जो संधि होती है केंद्रीय में बैठा शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। और याद रखिएगा ये जो 16 अगस्त को होती है अवध का नवाब सुजाउद्दौला के साथ, किसके साथ होती है? सुजाउद्दौला के साथ होती है। तो इस प्रकार से इलाहाबाद, ये दोनों क्या है? इलाहाबाद की संधि है। अब देखिए इलाहाबाद की संधि में फ्रेंड्स आप इतना जानते हैं बुलाया गया रॉबर्ट क्लाइव को, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया कि रॉबर्ट क्लाइव आइए, आप इस तरीके से आपने विस्तार किया है, आइए अच्छे से विस्तार करिए। तो अब इसे डीपली थोड़ा अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अब यहां पर इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि में देखा आपने कि शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी मिल जाती है, इन तीनों की दीवानी मिल गई। और जब तीनों की दीवानी मिल गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों का नवाबी और सब कुछ तानाशाहियत यहां पर चलने लगी बंगाल में। तो फ्रेंड्स अब देखिए बंगाल से सब चलने लगी, तो आपने देखा होगा कि बंगाल तो किसके कब्जे में आ गया, बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब बंगाल के अंतर्गत क्या हो गया, बंगाल के अंतर्गत मद्रास और मुंबई, क्लियर, ये दोनों प्रेसिडेंसियां भी हो गई। ये दोनों प्रेसिडेंसी हो गई। अब सवाल उठता है कि ये दोनों प्रेसिडेंसी करने का क्या मतलब था, तो याद रखिए 1773 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है रेगुलेटिव एक्ट। इसी रेगुलेटिव एक्ट के तहत बंगाल के अंतर्गत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों इसके अंतर्गत रख दी गई। अब जब इसके इन दोनों के अंतर्गत ये दो प्रेसिडेंसी या बंगाल के अंतर्गत रख दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि यह किसके तहत हुआ, रेगुलेटरी एक्ट के तहत हो गया। इसका मतलब कि बंगाल में जो बैठेगा वो आल इन आल होगा, सर्वे सर्वा होगा, यानी कि मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर भी किसके अंतर्गत होगा,
बंगाल के अंतर्गत होगा। अब देखिए रेगुलेटरी एक्ट में एक बात और कहेंगे कि रेगु यानी कि बंगाल में जो बैठेगा वह गवर्नर जनरल, इसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद होगा। जैसा कि जानते हैं कि उस समय बंगाल में जब ये रेगुलेटरी एक्ट आया है उसके पहले वारन हेस्टिंग गवर्नर बन के था, लेकिन जैसे रेगुलेटरी एक्ट 1773 आया तुरंत क्या हो गया, वारन हेस्टिंग जो है ये गवर्नर जनरल का पद प्रथम पद इसी का था, यानी वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऐसे लिखेंगे, वारन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल हो गया। क्लियर हो गया? तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के यानी बंगाल में जो बैठेगा तो वारन हेस्टिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल बन के आया। ये बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए आपने देखा है कि 1798 ईस्वी में एक गवर्नर जनरल आता है, और उसका कार्यकाल 1805 तक रहता है, जिसका नाम है गवर्नर जनरल बेलेजली, और यही बेलेजली ये पहुंचते जैसे बंगाल में गवर्नर जनरल के पोस्ट पर बैठता है, ये कहता है मुझे अब युद्ध बिल्कुल नहीं करना है, हम सभी राजाओं के पास एक पत्र लिख करके सहायक संधि करना चाहते हैं, यानी हम मीटिंग बुला रहे हैं और सभी राजाओं के पास पत्र भिजवा दे रहे हैं और उनके पास पत्र पहुंच जाए, वो धीरे से अपना प्रांत जो है हमें दे दें और एक सहायक संधि के साथ, और हम झगड़ा युद्ध लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम सीधा सीधा सहायक संधि करना चाहते हैं, और अगर सहायक संधि बन जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एज ए बफर सिस्टम हो जाएगा, यानी बफर स्टेट में आ जाएंगे, बफर प्रांत में आ जाएंगे। ये बातें अच्छे समझ में आ रही होगी। और दूसरा कंडीशन बेलेजली का एक ही था कि अगर जैसे आपने देखा इस समय महासंग्राम चल रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में, कि नाटो का सदस्य बनने के लिए जब यूक्रेन अमेरिका की तरफ जा रहा है तो रशिया क्या कर रहा है, अटैक करना शुरू कर दिया। आपने ये कमेंट सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनके फोर फादर व्लादिमीर लेनिन थे, और व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि जिस दिन यूक्रेन भारत रशिया के हाथों से निकल जाएगा या यूएसएसआर से निकल जाएगा, सोवियत संघ से निकल जाएगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि एक आदमी का सिर कट चुका है। ये सिद्धांत किसका था, व्लादिमीर लेनिन का था, उन्होंने कहा था। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल जो है ये जैसे बैठता है तुरंत कहता है कि हम सहायक संधि करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेले सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई, तो याद रखिएगा बेलेजली द्वारा सहायक संधि।
क्लियर। सहायक संधि सर्वप्रथम किससे लागू किया गया? बेले जली द्वारा। ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गई। अब आप देखिए, आपको आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आंग्ल मैसूर युद्ध और मराठा आंग्ल मराठा युद्ध दोनों की तुलना नहीं करेंगे, तब तक ये सहायक संधि आपको समझ में नहीं आएगी। अगर ये तुलना आप कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इसे एक बार हम मिटाते हैं, अच्छे से समझ जाए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले आपने देखा क्या कि गवर्नर जनरल बन करके बेले जली आ चुका है, और बेले जली क्या बोला कि मुझे जो है युद्ध बिल्कुल नहीं करना है, मुझे केवल केवल सहायक संधि करना है। और क्योंकि युद्ध में खर्च भी होता है और हम नहीं चाहते कि युद्ध में हमारा पैसा जाए, सबसे बेटर यह है कि सहायक संधि हो जाए। आप किस आधार पर चलोगे, मैं किस आधार पर चलूंगा, इसका बंटवारा हो जाएगा। और सभी राजाओं के पास उन्होंने खत भेजना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, अब जैसा एक तुलना करेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, और एक तरफ है और एक तरफ लिखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। इस पॉइंट को आप समझेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, क्लियर, और द्वितीय यानी लिखेंगे यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि बंगाल तो कब्जे में हो ही चुका है। अब आप जानते हैं कि केंद्रीय सत्ता में कौन बैठा है, शाहआलम द्वितीय, वो तो झुक चुका है, इसका मतलब उसके साथ भी संधि हो चुकी है। अब शुजाउद्दौला जो है ये भी बैठा हुआ है अवध में, तो उसके साथ भी संधि हो चुकी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैसूर में भी आपने देखा कि किसके साथ होता है, उसके बाद मराठा के साथ कैसे होता है, निजाम के साथ कैसे होता है, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर के 69 तक, इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई। अब द्वितीय जो है यानी लिखते जाएंगे द्वितीय 1780 से लेकर 84 तक, उसके बाद तृतीय जो है 1790 से लेकर 92 तक, और चतुर्थ जो है, चतुर्थ याद रखिएगा 17 अप्रैल 1799 से लेकर 4 मई 1799 तक, क्लियर, ये चारों युद्ध चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, अब आएगा कौन, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान आएगा, टीपू सुल्तान आया। अब टीपू सुल्तान भी क्या करता है, यहां पर आपने देखा होगा कि टीपू सुल्तान की इसमें आंग्ल मैसूर के चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है, लिखेंगे आंग्ल मैसूर यानी फोर्थ, चौथे में टीपू सुल्तान भी, टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है,
आप बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, तो आपने देखा होगा अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने अडियार अडियार वंश का, क्योंकि हैदर अली के पहले भी अडियार वंश रहा करते थे मैसूर में, क्लियर? कौन रहा करते थे? अडियार वंश रहा करते थे। अब अडियार वंश देखिए, उनके जब हैदर अली की मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान आए, टीपू सुल्तान की हत्या हुई, फिर अंग्रेजों ने किसका सिंहासन दे दिया? अडियार वंश के कृषराज तृतीय को दे दिया। किसको दे दिया? कृषराज तृतीय को दे दिया। अब ये जबकि अब जानते हैं कि नाबालिग थे या शिशु अवस्था में थे, क्लियर? और इनसे भी अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी। सहायक संधि की, वो भी हस्ताक्षर के साथ, हस्ताक्षर भी कर लिए, क्लियर हो गया? अब देखा आपने कि यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध में भी क्या हुआ, सहायक संधि हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 से लेकर के 82 तक आपने देखा, क्लियर? 1775 से लेकर 1782 तक। अब द्वितीय जो है याद रखिएगा, सेकेंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपने देखा होगा 1803 से लेकर 1806 तक आपने देखा। तृतीय देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 21 तक ये चला। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे, वहां से लगातार आपने देखा होगा कि संधिया, सहायक संधिया, सहायक संधि होती रही, क्योंकि बेलीजली भी बैठा है इसलिए सहायक संधि करेगा। मराठाओं के साथ भी सहायक संधिया हो रही, जैसे सिंधिया हुआ ग्वालियर में बैठे हुए, होलकर है, होलकर इंदौर बैठे हैं, उसके बाद नागपुर में आपने देखा होगा भोसले बैठे हुए हैं, उनसे भी संधिया होती। उसके पहले आपने देखा कि निजामों से भी संधिया हुई थी, ये बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। तो सबसे सहायक संधि कर रहा था, क्लियर? लेकिन एक बात और प्लस पॉइंट है कि अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 से लेकर 82 तक चला है, और आप देखिए यहां पर पॉइंट क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला है 1780 से लेकर 84 तक चला है, इसका मतलब कि 1775 और 82, 82 के बाद 2 साल 83 और 84, इसका मतलब 83 और 84 जो दो इयर्स थे, टू इयर्स जो थे, उसमें क्या हुए, इसका मतलब मराठा लोग मैसूर का साथ नहीं दे रहे थे। अगर मैसूर का साथ दिए होते तो शायद परिणाम कुछ, इतिहास कुछ और होता। लेकिन आपने देखा कि उस समय मराठा लोग साल बाई संधि कर चुके थे, 1782 में साल बाई की संधि हुई जो कि ग्वालियर में स्पेशल भूमि है, ठीक है, वहां पर संधि हुई 1782 में। तो इसका मतलब कि 2 साल जो इस तरीके से परिणाम रहा है, सब घुल मिल के इस तरीके से काम किए हैं कि लास्ट में क्या हुआ, भारत अपने आप गुलाम हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर 1782 में इन्होंने क्या किया कि अगर मैसूर का साथ दिया होता तो शायद टीपू सुल्तान भी ना होता। अभी टीपू सुल्तान की आगे भी कहानी जबरदस्त मिलेगी, क्योंकि टीपू सुल्तान भी एक ऐसा इंसान था जो कि नेपोलियन से जा मिला था।
और नेपोलियन एक ऐसा शख्स था जिसको डर अंग्रेजों को भी है। अंग्रेज को सता रहा है कि पॉइंट कब नेपोलियन आ जाए, क्योंकि नेपोलियन उस समय ऑस्ट्रिया, मिस, कई जगह वो क्या कर रहा था, विजय का पताका फहरा रहा था। अब समझिए कि अगर विजय का कोई पताका फहरा रहा होगा तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि 1776 की कहानी में आप सुनेंगे कि 1776 में जब अमेरिका आजाद होता है, तो आजादी से पहले सत्रह सौ तिहत्तर से लेकर 75 तक अमेरिका में जबरदस्त क्रांति हो रही थी आजादी के लिए। 4 जुलाई जब 1776 को अमेरिका आजाद होता है तो आपने देखा होगा कि ब्रिटेन से एकदम नाता टूट चुका है। फ्रांस उस समय भी साथ दे रहा था और फ्रांस का ही नेपोलियन है। आपने देखा होगा वान डी वास का युद्ध देखा होगा। भारत में उस समय आंग्ल, आपने देखा होगा क्या कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। आपने इस तरीके से देखा कि कर्नाटक में जो युद्ध हुए, आपने देखा होगा एक दो क्या है, विपक्षी है, एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांस। इस प्रकार से क्या होते हैं, प्रथम कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक होते हैं। आपने सब कुछ देख लिया। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि जो नेपोलियन से डर काहे का, अब सवाल उठता है नेपोलियन से इसलिए डर है क्योंकि नेपोलियन उस समय विजय का पताका एकदम चारों तरफ लहरा रहा है, अंग्रेजों को एकदम डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, जहां अमेरिका के साथ फ्रांस था, फ्रांस स्वतंत्रता पा गया, इसका मतलब अगर यहां भी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बाहरी शक्ति वो भी तो है और हर जगह विजय पा रहा, तो यहां भी विजय पा सकता है, इसलिए उनको भी डर है। तो इसलिए बेली जली सोचा कि लाइए फटाफट हम क्या करें, इसके पहले हम सहायक संधि कर ले सबसे। तो सहायक संधि करने के लिए बेली जली फटाफट क्या किया, सभी प्रांतों के पास आया, पहुंचा, उसके बाद कहा भाई हम सहायक संधि करेंगे। तो इस प्रकार से सहायक संधि रही। फ्रेंड्स, अभी तो जान लीजिए कि 20% की क्लास हुई, बहुत डीपी क्लास है, आप अच्छे समझेंगे कि सहायक संधियों का निर्णायक भूमिका क्या होती है। अभी तो ये केवल एक पात्र जैसा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, कल की क्लास में। कुछ टेक्नीशियन के कारण, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें आ गई, इसलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।